हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील, आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है आपको, बाग की बीमाएं ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे आप। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप मान लेंगे, माना आयताकार बाघ, आयताकार बाघ की लंबाई एक्स है और चौड़ाई वाई है। चौड़ाई क्या मान लिया गया, वाई है। लंबाई एक्स और चौड़ाई वाई। अर्ध परिमाप इक्वल टू 36 मीटर है, तो परिमाप इक्वल टू इसका डबल 36 दुना 72। प्रश्नानुसार क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो एक्स इक्वल टू y+4, y+4 और x-y=4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार परिमाप इक्वल टू आयत का परिमाप इक्वल टू 72। तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x प्लस y इक्वल टू 72, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 72। अब क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकली हुई है, इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या फिर समीकरण 1-2 को कंपैरिजन करा के हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, या फिर x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर। इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू पुट करने पर x के मान रखने पर इसमें क्या कर दीजिए, x के मान रख दीजिए। x के मान पुट करेंगे तो 2y+2 4 दुना 8, या 2 4 जा 8 + 2y = 72। अब क्या करेंगे, 2y और 2y को ऐड करेंगे तो 4y = 72 - 8। 4y = इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आता है 4, और यहाँ पे 6 आ गया, 64। तो y = क्या आएगा, 64/4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो y = कितना आ गया 16। जब y = 16 आया तो इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी तब, या फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो यहां से भी आ जाएगी। समीकरण एक से x = 4+16, ये वैल्यू इस पर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 4+16, तो x = 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अतः आयत की लंबाई x = 20 और आयत की चौड़ाई y = 16, अतः बीमाएं 20 एवं 16 होगी। इस टाइप से इस क्वेश्चंस को अटेंड करना है आपको। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।